पूरे बिहार के हेल्थ सिस्टम और भाजपा के एक बहुत बड़े सांसद राजीव प्रताप रूड़ी को नंगा करने वाले पप्पू यादव को जिस 32 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया गया है, अगर उस केस की कहानी जानेंगे तो आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। लेकिन उस केस की हकीकत बताने से पहले नए दर्शकों को अपना परिचय बता देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है और आप देख रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म। जानते हैं सर, पप्पू यादव को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने कोई चोरी या फिर अपहरण किया था, इसलिए भी नहीं क्योंकि उन्होंने कोई हत्या या फिर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। दरअसल पप्पू यादव को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने बिहार के पूरे हेल्थ सिस्टम की पोल खोल दी है और भाजपा के एक बहुत बड़े सांसद राजीव प्रताप रूड़ी को सरेआम नंगा कर दिया है। क्योंकि जैसे ही पप्पू यादव ने छपरा के एक बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के गांव एक सामुदायिक भवन पर छापा मारा, वहां से दर्जनों एम्बुलेंस बरामद हो गई और जैसे ही दर्जनों एम्बुलेंस बरामद हुई, राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। भूचाल इसलिए क्योंकि जब लोग एम्बुलेंस, दवाई और ऑक्सीजन की कमी से हर रोज अपनी जानें गंवा रहे हैं, ऐसे में एक भाजपा सांसद ढक करके अच्छे से एम्बुलेंस को अपने दरवाजे पर खड़ा रखता है, उसका कोई यूज ही नहीं है। इसके बाद नीतीश कुमार और भाजपा सांसद महोदय जी की जो थुथू हुई वो तो हर कोई ही जानता है। इसके कुछ ही दिनों के बाद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। कारण बताया गया कि उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। लेकिन सवाल ये कि अभी तक से एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की वजह से किसी को गिरफ्तार किया गया हो। लेकिन पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दूसरा रीजन बताया गया कि उन्होंने पीएमसीएच का दौरा करके सरकारी कामों में दखलंदाजी की है, व्यवधान डाला है। तब तक से फिर पता चलता है कि 32 साल एक पुराने केस में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब आते हैं उस 32 साल पुराने केस पर जिस वजह से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। बात 29 जनवरी 1989 की है, जब पप्पू यादव और उनके 3-4 साथियों पर मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना अंतर्गत मिडिल चौक से राम कुमार यादव और उमा यादव के अपहरण करने का आरोप लगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये दोनों जिनका अपहरण हुआ था सकुशल घर लौट आए और 3 महीने बाद पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी हो गई। इसके बाद पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए और इसके बाद वो चुनाव भी जीत गए। जैसे ही पप्पू यादव चुनाव जीते, ये केस कहीं पीछे छूट गया। फिर सब कुछ सामान्य ढंग से चलने लगा। दशक बीत गया लेकिन पप्पू यादव कभी ना जेल गए और ना ही कभी इस केस की चर्चा हुई। फिर 10 फरवरी 2020 जब कोर्ट ने इस केस पर फिर से संज्ञान लिया और गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पप्पू यादव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन मधेपुरा पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार नहीं किया। कोर्ट ने पुलिस को बुला के फिर से जम के फटकार लगाई और पूछा कि जिस नेता को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है वो खुलेआम चुनाव प्रचार कैसे कर रहा है। पुलिस ने जवाब दिया कि वारंट की जो कॉपी है वो चौकीदार से कहीं गुम हो गई है। कोर्ट ने फिर एक दूसरा वारंट जारी करते हुए कहा कि पप्पू यादव को गिरफ्तार करो। पप्पू यादव को फिर भी गिरफ्तार नहीं किया गया और पप्पू यादव जमकर चुनाव प्रचार करते रहे। मधेपुरा पुलिस ने फिर दूसरा बहाना बनाया। मधेपुरा पुलिस ने कहा कि पप्पू यादव फरार हैं, जबकि पप्पू यादव आराम से बिहार में थे, टीवी पे दिख रहे थे, लेकिन मधेपुरा पुलिस की नज़र में पप्पू यादव फरार थे। फिर क्या था, धारा 83 के तहत कोर्ट ने घर कुर्की का आदेश जारी कर दिया, लेकिन फिर भी पप्पू यादव का घर कुर्की हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इतना पुराना केस, अब जब पप्पू यादव ने सरकार के मतलब बढ़िया सी उंगली कर दी है और सरकार के नाकों चने चबवा दिए हैं, तब मधेपुरा पुलिस की नींद टूटी है, सरकार भी हरकत में आ गई है और पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। रात को 11 बजे कोर्ट खुलवाया गया और पप्पू यादव पर सुनवाई हुई, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सवाल यह कि इतने दिनों तक जब कोर्ट बार बार कह रही थी कि पप्पू यादव को गिरफ्तार करो, तब यह पुलिस क्या कर रही थी। सवाल यह भी कि जब बार बार कोर्ट से आदेश जारी किया जा रहा था कि पप्पू यादव को गिरफ्तार करो, पप्पू यादव कहीं फरार नहीं थे, तब मधेपुरा पुलिस ने क्यों कहा कि पप्पू यादव फरार है। सवाल यह भी कि जिस पप्पू यादव को उस समय गिरफ्तार करने में पुलिस के हाथ पांव फूल रहे थे या फिर पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी,
अब ऐसा क्या हुआ जो अचानक से पप्पू यादव को गिरफ्तार भी कर लिया गया, 11 बजे कोर्ट भी खुलवा दिया गया और अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। इसका सही जवाब मेरी दृष्टि में तो कमोबेश यही है कि पप्पू यादव को अपहरण करने के जुर्म में नहीं गिरफ्तार किया गया है। अगर अपहरण करने के जुर्म में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया होता तो पप्पू यादव को बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया होता। पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है भाजपा के एक बहुत बड़े सांसद और नीतीश कुमार की पोल खोल देने के जुर्म में। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और पब्लिक प्लेटफॉर्म के वीडियोज देखने के लिए फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर।